आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पत्रस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पत्रस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। जब शमौन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु बारहों में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।